जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू पर ईडी की कार्रवाई। लालू की करीबियों पर ईडी ने की कई जगह छापेमारी। नवादा में शराब बेचने को लेकर हुआ विवाद, अधिकारियों ने पीड़ित को जांच का दिया आश्वासन। नालंदा में बदमाशों ने की फायरिंग, परिवार के 5 लोग हुए जख्मी। वैशाली में सड़क हादसे में 3 की मौत, पुलिस ने भेजा शव को पोस्टमार्टम के लिए। सरमेरा में आज सामाजिक तत्वों ने लगाई आग, पुलिस मामले की जांच में जुटी। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बिहार की बड़ी खबरों का। बिहार में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक के बाद एक केंद्रीय जांच एजेंसियां लालू पर शिकंजा कसना शुरू कर चुकी हैं। जमीन के बदले नौकरी मामले में ईडी ने कार्रवाई शुरू कर दी है। लालू के परिवार से जुड़े 15 ठिकानों पर ईडी ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। पूरा मामला बताते चलें कि साल 2004 से 2009 के रेल मंत्री रहते हुए लैंड फॉर जॉब स्कैम हुआ था। नौकरी के बदले जमीन लेने के घोटाले में लालू और उनके परिवार वालों पर रेलवे में नौकरी दिलाने के बदले जमीन लेने का आरोप है। इस मामले में सीबीआई ने मई 2022 में लालू और उनके परिवार के सदस्यों पर भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया। सरमेरा में हुए विवाद में असामाजिक तत्वों ने 2 घरों में आग लगा दी। इस आग में 3 मवेशी की मौत हो गई। इस हादसे में लोग बाल बाल बच गए। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और इसके साथ ही फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। टीम की मदद से आग पर पूरी तरह से काबू पाया गया। इस मामले में पुलिस जांच में जुट गई। घटना के बारे में रात में हमको फोन से पता चला, छोटी मलावा गांव में आग लगा दिया गया है पदरों द्वारा। कौन लगाए पता नहीं, लेकिन थाना प्रभारी वहां पहुंचे हैं, कैंप किए हुए हैं। फायर ब्रिगेड भी गया है, बस से आग पर काबू पाया है और उसमें बहुत सारा मवेशी भी जल गया है। जान माल की सुरक्षा भी, बाल बाल सब बचा है। तो मैं विवाद था क्या कुछ मिखाइए? विवाद कुछ दिन पहले हुआ था, गोली तोली गाँव में चला था, उसी के कारण लगता है ये सब कांड। खबर वैशाली से है जहां बोलेरो और मोटरसाइकिल के बीच टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि घटनास्थल पर 3 लोगों की मौत हो गई। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गांव पे चप्पल फैक्ट्री चालू किया। अच्छा, वो चप्पल फैक्ट्री का संचालन करते थे? जी, अभी चालू किया। और जो 2 लोग हैं उनके साथी हैं, दोस्तों का, उन दोनों का नाम आप जानते हैं? एक का था राजा, दूसरा का पप्पू। अच्छा, वो लोग कहाँ के रहने वाले हैं? वो लोग उधर के ही हैं, धर्मपुर और जिससे होता है। पटना में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। बदमाशों ने खुलेआम युवक को अखाड़े में ले जाकर गोली मार दी और खुलेआम हवा में फायरिंग करते हुए बेखौफ तरीके से अपने घर चले गए। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। इस घटना से इलाके में सनसनी फैली है। हाँ, तो लेकर आया है तो सुने की गोली, उसको गोली लगा हुआ है। कहाँ से लगा हुआ? ग्राम धवलपुरा से। ग्राम धवलपुरा से। तो क्या नाम पता चला? नाम, हाँ, मंजय कुमार है। नवादा में शराब बेचने को लेकर विवाद हो गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने युवक को जमकर पीटा। घटना की सूचना मिलते ही अधिकारियों ने समझा बुझाकर युवक को घर जाने को कहा और मामले की जांच का आश्वासन दिया। वहीं पीड़ित ने बताया कि हमारे गांव में शराब बंद है, दूसरे गांव से शराब बेचने के लिए लाया था, जिसका विरोध करने पर हम लोगों के साथ मारपीट हुई है। समस्या भी रहा है यही कि हम लोग के गांव में गए थे दारू लेके, बाभन लोग गए तो हमको गांव के लड़का देखा है
तो हमको गांव के लड़का बोला कि दारू हमको गांव ने नहीं बेचिए, तो बोला कि तुम लोग माना करते हैं जब तुम लोग के छेक के मारेंगी आएगा वो रैना लोग, तो गया हमको लड़का बच्चा चार पांच को गिए थे तो छेक के वो रैना ने मारे थे, उधार चलाए थे। कहाँ का मामला बलोखर रामगढ़ के। मेरा गाँव में दारू बंद है सर, दूसरा गांव से दारू बेचने गया तो हम लोग माना किया कि हमारा गांव में दारू बंद है, दारू मत बेचिए। तो उन लोग क्या किया सर, हम लोग का रोड वैसे ही पड़ता है वरैना देखे, और जब नहर पर आया दो चार को बचा मांस मछली लेने के लिए होली के पर्व में, उसके बाद क्या किया उन लोग छेक के मारपीट किया चारों बच्चा के, बोलता है तुम लोग दारू बंद करने वाला हो गया। कौन था वो? उन लोग एक नवसे सिंह, दूसरा हो गया अथी जीतू सिंह, तीसरा में हो गया संतू सिंह, चौथा में विकास सिंह। जो आ रहा दारू तो मना कर दिया, तो दो साल से बंद मना है और 52 लोग दारू चुवाता है और जाके हमारा गांव में बेचता है, उसी लिए लड़का बच्चा बोला कि हमारा गांव में दारू नहीं बेचो। नहीं हो रहा है कि 52 तीन चार रोज से दारू जाता था रामगढ़ में बेचने, तो लड़का बच्चा कहा कि नहीं दारू यहाँ पर बेचो, से हम लोग हर जाने तो हम दारू बंद कर दिए हैं, राड़ी मुर्गी खाता था बंद कर दिए, अभी 52 काहे को बेच लिया है, तो कहे बच्चा सब लोग गया बाजा ला रहे की नाच कूद करेंगी साल भर के पर्व है, तो वह बजरे ला के बच्चा के छेक लिया, बच्चा के छेक के मारने पीटने लगा चार पांच बच्चा के मार। वही सब फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। पहुँचेंगे हम वहाँ जहाँ हर खबर दबाई जाती है, दिखाएंगे वो जो आपकी नजरों से रहता है उजल, पहुंचेंगे हर जिले के कोने कोने तक, जिले की हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू, खबरों में रफ्तार बेखौफ अंदाज, प्रदेश में बनेंगे आपकी आवाज। प्राइम टीवी, सच साहस और सरोकार के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, रुक करते हैं खबरों की ओर। नालंदा में आपराधिक घटनाओं का सिलसिला जारी है। होली के दौरान अपराधियों ने युवक को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। मृतक की पहचान कर ली गई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि युवक को बदमाशों ने घर से बुलाया और अपने साथ ले गए, इसके बाद गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। अपराधियों ने युवक की हत्या कर उसके शव को तालाब के पास फेंक दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई। गाड़ी मिला के बोला घर पर थे बड़ा बाबू फोन के कि अब वो जमीन तलाव पर मर्डर हो गया है। कैसे? अभी गोली लगा है, गोली मारा है। तब पर विवाद चल रहा है? पता विवाद उवाद नहीं था, वो बोला है रात में घर गए नहीं कर रहे हैं, तो बोला अभी बिना कोई देखे पता चला कि वो लड़का मार के फेंकल है। कल 10:30 बजे रात को घर पे आया है, उसके बाद कोई व्यक्ति उसको बुलाया है, बुलाने के बाद घर से महज 100-200 गज की दूरी पे उसकी हत्या किया गया। डेड बॉडी भी पुलिस को सुबह वहीं मिला है। कहाँ डेड बॉडी? किस वक्त पाया गया डेड बॉडी? एक अलामा गांव के पीछे एक तलाई है, तलाई के पास बलुआ पर जगह बोलता है, वहाँ पर उसको मिला है। नालंदा में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बदमाशों ने घर में घुसकर मारपीट और गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया।
मारपीट में एक ही परिवार के कुल 5 लोग जख्मी हो गए हैं, जिन्हें परिजनों के द्वारा इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला दीपनगर थाना क्षेत्र के सहजादपुर गांव का है। सूचना मिलने पर पुलिस को जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। पहले तो घटना हुआ सर की गौची क्या है, मतलब ये रास्ते से गुजर रहा था, तो गुजरने के बाद वहाँ पर क्या हुआ कि वो दरोगा गया कर राकेश कुमार था, तो उसको गौची क्या है माथा फाड़ दिया, तो माथा फाड़ दिया तो हम मेरा दरवाज़ा पर वो झगड़ा कर रहा था सर। कौन झगड़ा कर रहा था? यहाँ के कल्याणपुर का जितना पासवान का लड़का था सब पीले सब झगड़ा कर रहा था। हम मैंने निकला सर तो उसको बोले कि देखो जी कहे मेरा दुआरे पर झगड़ा नहीं करिए। क्यों झगड़ा करिए? हाँ क्यों कर हट के करिए। अब पता नहीं पीले खेले है उन्हें क्या किया नहीं किया वो तो हमको नहीं पता है, लेकिन फिर भी उतना बोले मेरा बेटा निकला था कल के कि यहाँ से हट के करिए झगड़ा, यहाँ पर मेरा दरवाजा पर नहीं करिए। और उसको बाद में क्या किया कि वो तो जखनी तो चल गया, ये भी चल गया, वो भी चल गया, और फिर उन्हें से जा करके बंदूक और ये पूरा रोड़ा बंदूक सब कुछ लाठी बहना जितना था, फायरिंग कम से कम तो 20 को हुआ, 20 को फायरिंग हुआ है। और कोची कहा है रड ले ले सब था, और कोची कहा है यही घर में घुस के मारा है सब। नालंदा में होली के दिन गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा बाजार थर्रा गया। बता दें कि रहुई नगर पंचायत के मुख्य पार्षद रिंकी कुमारी के प्रतिनिधि अलवेला राय पर कुछ अज्ञात लोगों ने अचानक गोलियां चला दी। उन पर करीब 20 राउंड फायरिंग की गई। इस हमले में मुख्य पार्षद प्रतिनिधि बाल बाल बच गए। गोली चलने की सूचना मिलते ही थाना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में कर लिया। वहीं पुलिस ने अज्ञात लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज कर छानबीन में जुट गई। हरेक हफ्ता में होता है हमला। क्या वजह क्या है? वजह यही है कि हम चुनाव जीते इसलिए कि काहे वो चुनाव जीत गए हैं। तो अगला करना क्या, अखंड राज रहने देंगे? अखंड राज रहने में देंगे? अखंड राज क्या है? तो सरकार से क्या आप मांग करते हैं? सरकार से यही कहते हैं कि मुझे सुरक्षा चाहिए। क्या आप किस प्रकार का सुरक्षा चाहती हैं? सुरक्षा यही चाहते हैं कि प्रशासनिक सुरक्षा चाहिए। मेरे घर पर भी हमला होता है, मेरे पर भी हमला होता है। प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा? प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा है। हम यही कहना चाहते हैं पुलिस प्रशासन से कि जो सही चीज़ है और जो पुलिस की जानकारी में है वो काम निष्पक्ष भाव से करे। क्या घटना घटी थी? 2 दिन लगातार हम पर गोलियां चली है, लगातार हम पुलिस को सूचना देते रहे हैं। थाने में FIR दर्ज हो गया? थाने में आवेदन दे दिया हूँ। नामजद हुआ है, बाकी कुछ लोग अज्ञात हैं। मुजफ्फरपुर में बदमाशों का मनोबल 7वें आसमान पर है। आए दिन बदमाश कहीं न कहीं फायरिंग की घटना को अंजाम देते हैं। आपको बता दें कि बदमाशों ने इंश्योरेंस कर्मी के घर पर चढ़कर ताबड़तोड़ फायरिंग की और भाग गए। फायरिंग के बाद पीड़ित परिवार दहशत में है। सूचना के बाद पहुंची पुलिस जांच में जुट गई। मेरे घर पे आकर के 4 आदमियों ने गोली चलाया है, जिसमें एक राजा है, एक विशाल सिंह है, एक विपिन है और 2 अज्ञात लड़के हैं जो 2 गाड़ी पे आए थे। एक गाड़ी पे आगे आकर के ये चलाए हैं, गोली चलाए हैं और पिछले कह रहे थे कि पिछलका केस वापस ले लेने के लिए, और जिसमें जो है हम लोग वापस नहीं लेना चाहते थे, जिसमें राजा जो है हमको सुबह से कॉल करके धमकी उमकी दे रहा था कि तुम्हारे घर पर चढ़ के तुम्हारी माँ को गोली मार देंगे, माँ के नाम से तुमने केस करवाया है। और हम कहें कि भाई जबकि कोर्ट जो है कोर्ट में केस चल रहा था, कोर्ट से ना लड़ेंगे? उसी के लिए आकर के अभी घर पे गोलीबारी किया है और हम नहीं थे घर पे और गोलीबारी किया है। नालंदा में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। आपको बता दें कि बदमाशों ने एक युवक को गोली मारकर जख्मी कर दिया। घटना के संबंध में जख्मी के चाचा ने बताया कि उनका भतीजा उनके घर से लौट रहा था। इसी बीच गांव के लोगों ने पुरानी रंजिश के चलते सहयोगियों के साथ मिलकर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया। सूचना पुलिस को दी गई, पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुट गई है। बिहार की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।
क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून।